हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दक्षता अकेडमी चैनल। तो कैसे हैं आप सर? तो साइंस में हमने एक सीरीज शुरू की हुई है जिसमें बायोलॉजी के अभी हमारे टॉपिक्स चल रहे हैं। बायोलॉजी में जो भी टॉपिक्स है, टॉपिक वाइज हम देखते हैं कि उस टॉपिक में से पिछले गवर्नमेंट एग्जाम्स में कौन कौन से क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं और उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हम टॉपिक वाइज कवर करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्शन या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या मादा प्रजनन तंत्र। अगर आप इस टॉपिक की डिटेल्ड वीडियो देखना चाहें तो उस पर मैं डिटेल वीडियो पहले ही बना चुकी हूँ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर। अगर आप उस टॉपिक को डिटेल में देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दोनों में लिंक दिया गया है, वहाँ आप जाकर देख सकते हैं। तो आइए अपने आज के टॉपिक पर। तो आज हम इस टॉपिक से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन्हें जो है एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन है आपका कि फर्टिलाइजेशन या निषेचन की प्रक्रिया जो है वो कहाँ पूर्ण होती है, कहाँ पूरी होती है। तो कहाँ होती है, तो आप चाहें तो साथ साथ जो कमेंट करके मुझे बता दें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आपके इन क्वेश्चन में से टोटल कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं, मैं देखूंगी। तो बता दें सबसे पहले तो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया पूर्ण होती है, कहाँ पूरी होती है, वो होती है आपकी फीमेल्स में फैलोपियन ट्यूब के अंदर। कहाँ होती है? फैलोपियन ट्यूब। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है कि निषेचन या फर्टिलाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो कहाँ पूरी होती है, तो वो होती है फैलोपियन ट्यूब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमानेंट बर्थ कंट्रोल के लिए जो ऑपरेशन किया जाता है महिलाओं में कि जो उनके आगे जो है वो प्रेग्नेंट ना हो, तो बर्थ कंट्रोल के लिए, फैमिली प्लानिंग के लिए जो महिलाओं में ऑपरेशन किया जाता है उसका कई बार नाम पूछा गया है एग्जाम्स में, तो उसका क्या नाम है? ट्यूबेक्टोमी। क्या नाम है? ट्यूबेक्टोमी। अगर मेल्स में देखें, पुरुषों में ये जो ऑपरेशन है परमानेंट बर्थ कंट्रोल के लिए उनमें भी किया जाता है कि फैमिली प्लानिंग के लिए उनमें भी ऑपरेशन किया जाता है, उसका क्या नाम है? वैसेक्टोमी। जबकि महिलाओं में जो ऑपरेशन होता है उसका नाम है ट्यूबेक्टोमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो प्यूबर्टी के बाद जब जो आपकी लड़कियां हैं वो जब प्यूबर्टी की जो स्टेज है उनकी आ जाती है जो लगभग 12 से 13 साल की उम्र में आती है, तो प्यूबर्टी की स्टेज में आने पर उनके जो है एक उनकी बॉडी में काफ़ी हार्मोनल चेंजेस होते हैं। उसके बाद मंथली जो है उन्हें मासिक चक्र या जो है मेंस्ट्रुअल जो साइकिल जो है उनकी रिपीट होती है। तो पहली बार जब लड़कियों को मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है, मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, तो पहली मेंस्ट्रुअल साइकिल या मासिक चक्र को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? वो है आपका मेनार्के। क्वेश्चन ये भी आ चुका है, क्वेश्चन आपका ये भी आ चुका है, वो भी हम इसके साथ ही देख लेंगे कि पहली मेंस्ट्रुअल साइकिल तो हमें पता चल गया मासिक चक्र, लेकिन जो आपकी लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है यानी कि जब आपकी महिलाओं में मासिक चक्र बंद हो जाते हैं जो कि 40 से 45 की उम्र के आसपास या 50 की उम्र के आसपास कईयों में वो बंद होते हैं, तो उस लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल या मासिक चक्र को हम क्या कहते हैं? मेनोपॉज। क्या कहते हैं? मेनोपॉज। आप इससे देख सकते हैं पॉज का मतलब स्टॉपेज, तो इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं। उसके बाद फीमेल्स में जो सेक्स हॉर्मोन्स होते हैं उनका आपको नाम बताना है। मेल्स की बात करें तो उनमें सिर्फ एक होता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, उसमें देखेंगे। फीमेल्स में ये दो होते हैं, कौन कौन से? प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन। तो ये दो जो है महिलाओं में हार्मोन पाए जाते हैं, तो याद रखें। नेक्स्ट, प्राइमरी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो महिलाओं में जो आपका प्राइमरी लैंगिक अंग है वो उसका नाम बताना है, तो वो है ओवरीज। ओवरीज जो है इसे हम हिंदी में अंडाशय भी कहते हैं। नेक्स्ट, प्राइमरी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ओवरीज है। इससे एक चीज़ और दिख ले, अगर आपसे पूछा जाए कि फीमेल गैमेट सेल जो महिलाओं का जो प्रजनन कोशिका है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं ओवा या ओवम या हिंदी में अंडाणु, जो कि ओवरीज से पर मंथ जो है एक रिलीज होता है 14th डे उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, तो ये चीज़ याद रखें।
अब क्वेश्चन आपसे इस तरह भी पूछा जा सकता है कि महिलाओं में फैमिली प्लानिंग के लिए जो ऑपरेशन किया जाता है वो कौन सा किया जाता है। तो सेम क्वेश्चन है लेकिन लैंग्वेज अगर आप देखें तो यहाँ पर चेंज की जा सकती है, इसलिए मैंने क्वेश्चन दोबारा लिखा है कि फैमिली प्लानिंग के लिए, परिवार नियोजन के लिए जो महिलाओं में ऑपरेशन या शल्य क्रिया का सहारा लिया जाता है तो कौन सा ऑपरेशन है। सेम है ट्यूबेक्टोमी, तो शोफ्टोमी लिख रहे हैं, यही सेम है, सिर्फ लैंग्वेज चेंज है, तो इसका ध्यान रखें। नेक्स्ट है कि मेंस्ट्रुअल फ्लो में यूट्रस या गर्भाशय की कौन सी लेयर टूटती है। तो लड़कियों में, महिलाओं में जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, तो उसमें जो ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग के समय यूट्रस या गर्भाशय की कौन सी लेयर टूटती है, तो कौन सी लेयर टूटती है, एंडोमेट्रियम। क्लियर। नेक्स्ट, कौन से हार्मोन के प्रभाव में ओव्यूलेशन या अंडोत्सर्जन होता है, यानी कि ओवरी से परमथ जो है एक ओवम जो है रिलीज होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल की 14th डे। तो ऐसा जो है महिलाओं में कौन से हार्मोन के प्रभाव में ओव्यूलेशन या अंडोत्सर्जन होता है, तो कौन सा हार्मोन है जिसके कारण होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और ईस्ट्रोजन। तो ये दोनों हार्मोन है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और ईस्ट्रोजन के प्रभाव में महिलाओं में जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे ओव्यूलेशन होता है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ये जो क्वेश्चंस थे ये इंपॉर्टेंट थे, जो कि गवर्नमेंट एग्जाम्स में बार बार रिपीट हुए हैं। और अगर दोबारा से बोल रही हूँ, अगर इस टॉपिक को आपको अगर डिटेल में देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच, टेक केयर।